Hello friends, I am Tanisha. Here I am again with you with a very interesting topic named is male sterility. JRA और BHU में इस topic से related और इस topic से based जो भी questions आए आज हम उन्हें भी देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि male sterility क्या होता है. Male sterility सबसे पहले introduced करा था Carl Reuter ने. अब हम देखते हैं कि male sterility होता क्या है. मेल स्टेलिटी, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर डिसफंक्शनल और स्टेलाइन. मेल पार्ट जो होता है जैसे एंथर और पोलन, वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं या उसका फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेल स्टेलिटी. मेल स्टेलिटी को हमने फर्दर तीन टाइप से क्लासीफाई किया है. देखते हैं, फर्स्ट इज जेनेटिक मेल स्टेलिटी, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी, एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. अब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को भी तीन टाइप से क्लासिफाई किया है, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, फोटोपीरियोडिक सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. मेल स्टेरिलिटी का फर्स्ट टाइप देखते हैं हम, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. इसके नाम से देखते हैं मेल स्टेरिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है क्यों, जीन्स के कारण, ठीक है, गवर्न्ड बाय रेसेसिव जीन ऑफ न्यूक्लियस. जो हमारे न्यूक्लियस के रेसेसिव जीन कौन सा, MS जीन, इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखते हैं, सेफ फ्लावर में डोमिनेंट MS जीन होता है जो गाय के लिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है और म्यूटेशन की वजह से भी हो सकती है. अब अपन देखते हैं कैसे. यह हमारे पास क्या है, मेल स्टेराइल फ्लावर, और इधर क्या है हमारे पास, मेल फर्टाइल फ्लावर. जब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो हमें F1 जनरेशन कैसी मिलती है, मेल फर्टाइल. अब F2 जनरेशन में हमें इसका रेशो क्या मिलता है, 3:1 रेशो. ये JRF का क्वेश्चन था कि हमको F2 जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की F2 जनरेशन में किस रेशो में मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल फ्लावर्स मिलते हैं, तो वो किस रेशो में मिलते हैं, 3:1 रेशो में हमें इसमें मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल फ्लावर्स मिलते हैं. हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के टाइप्स. हमने तीन टाइप देखे थे. सबसे पहला है टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. हमने यहाँ टेम्परेचर की बात करी, मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर कि अगर इससे ऊपर जाता है या उससे नीचे जाता है तो क्या होता है. यहाँ पे अगर 23.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हमको स्टेराइल मेल मिलेगा, अगर उससे कम है तो हमें ये फर्टाइल मेल मिलेगा. ये पॉइंट JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट है हमारा फोटोपीरियोडिक सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. हम नाम से देखिए फोटोपीरियोडिक, मतलब हम बात कर रहे हैं लाइट रेस की, कि हमें क्रॉप्स पे कितनी लाइट रेस की इम्पोर्टेंस होती है, कितनी लाइट रेस पढ़ना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए लाइट. इसका एग्जांपल लिया है हमने राइस प्लांट में, इसमें होता है 13 आवर 45 मिनट. ये भी JRF की उससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 13 आवर 45 मिनट से ज़्यादा है तो हमको स्टेराइल मेल मिलेगा, और अगर उससे कम है तो हमको फर्टाइल मिलता है. अब लास्ट वाला टाइप रहता है ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी. तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसजीन. DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन. इसका एग्जांपल क्या है, बार्नेस और बारस्टार जीन. ये इनकोड क्या करते हैं, RNA. इसको हमने कहाँ से लिया है, बेसिलस अमाइलो लिक्विफिकेंस बैक्टीरिया से, ठीक है, ड्रिवन बाय TA29 प्रमोटर, विच इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम JRF, ठीक है. ये एक्सप्रेस काय में होता है, टेपिटल सेल्स में. जो हमारा बार्नेस जीन होता है वो लिंक किससे जाता है, बार जीन से. फिर उसका काम क्या होता है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, फॉस्फिनोथ्रीसिन हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट. ये भी JRF के उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. और ये तो अभी हमने देखे जेनेटिक मेल
मेल स्टेरिलिटी के 3 टाइप्स, टेम्परेचर सेंसिटिव, फोटो पीरियोडिक सेंसिटिव एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। अब हम देखते हैं मेल स्टेरिलिटी का सेकेंड टाइप, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये होती है म्यूट जब प्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के प्लाज्मा जीन में जब म्यूटेशन होता है तो हमें क्या मिलती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जेआरएफ में एक क्वेश्चन आया था कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा जीन। प्लांट ब्रीडिंग में हम मेल स्टेरिलिटी के लिए 3 टाइप की लाइन का यूज करते हैं, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। अब हम देखते हैं कि लाइन क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट विथ सेम जीनोटाइप, मतलब बहुत सारे प्लांट जिसका जीनोटाइप सेम है तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइन। अब हम देखते हैं क्या होता है, जब फर्टाइल मेल का क्रॉस हम स्टेराइल फीमेल के साथ करवाएंगे तो हमें F1 प्रोजेनी हमेशा क्या मिलेगी, स्टेराइल मिलेगी। ठीक है, ये भी हमारे JRF का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ F1 प्रोजेनी हमेशा स्टेराइल मिलती है। अब इस स्टेराइल को हमेशा मेंटेन करने के लिए हम किसके साथ इसका क्रॉस करवाते हैं, फर्टाइल मेल के साथ, तो हमें क्या मिलती है, स्टेराइल प्रोजेनी। इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 से 7 बैक क्रॉस करते हैं। यह भी एक क्वेश्चन है JRF का कि हमको 6 से 7 बैक क्रॉस करना पड़ते हैं तब वो जो रिकरेंट पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होता है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ कभी भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि F1 प्रोजेनी क्या है, उसकी स्टेराइल है, तो वो कभी भी हाइब्रिड सीड नहीं बना सकता। इसका यूज़ हमेशा ऐसे सीड्स के लिए होता है, ऐसे क्रॉप्स के लिए होता है जिसका वेजिटेटिव पार्ट इकोनॉमिक यूज़ में आता है। इसका एग्जांपल है पोटैटो। ये भी एक JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में हम क्या करते हैं, तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट इकोनॉमिक यूज़ वाले क्रॉप है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का। अब हम मेल स्टेरिलिटी का थर्ड टाइप देखते हैं, वो है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी भी कहते हैं। हमने 3 टाइप की लाइन देखी थी, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। अब हम देखते हैं कि आर लाइन क्या होता है। आर लाइन मतलब रीस्टोरल लाइन। हमारे जो न्यूक्लियस रहता है उसमें जो डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन रहता है वो रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए होता है, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए, किसमें, मेल स्टेराइल लाइन में, तो हम उसे कहते हैं रिस्टोरर लाइन। इसमें क्या होता है, जब स्टेराइल फीमेल का क्रॉस फर्टाइल या स्टेराइल मेल, यहाँ पे हम फर्टाइल या स्टेराइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है हमेशा साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, फीमेल से, और न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ से आता है, मेल से, तो हमें इस पर नहीं जाके हमको इस पर वर्क करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, F1 प्रोजेनी हमेशा फर्टाइल मिलती है। इसका यूज़ हमेशा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ हमेशा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में होता है, बट एज कम्पेयर टू जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसका यूज़ इसमें कम होता है। थैंक यू एवरीवन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।